हफ्ते ये लेक्चर हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज का जो है तीसरा लेक्चर होगा, और इसमें बेसिकली हम हिस्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में समझेंगे, और हड़प्पा के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं सबसे पहले, तो पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी जो नियोलिथिक पीरियड तक आते आते ना, तो जो मनुष्य है उसने खेती करना सीख लिया था, ठीक है ना। और खेती करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि अब मनुष्य जो ना एक जगह पर स्टेबल होकर रहने लगा था, तो इसलिए ना अब सिटीज़ का डेवलप हो रहा है। तो ये सिटी, इन्हीं जो सिटीज़ के डेवलपमेंट में एक हमारी इंपॉर्टेंट सिटी जो फाउंड करी आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो जिसको ओल्डेस्ट सिटी बोला गया, और ये सिटी जो है बेसिकली पहली सिटी ऐसी बोली गई कि ये डिस्कवर की गई है। तो ये बेसिकली इसका टाइम पीरियड जो है 4700 ईयर पहले बताया गया था, ठीक है ना, पंजाब के एरिया में जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड था उस टाइम पे, 1920 या 1921 के टाइम के भी बात है ये। तो वहाँ पे रेलवे लाइन का विकास हो रहा, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया, तो ये पता लगा कि ये ऐसी कोई सिटी है जो 4700 ईयर पहले की है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली अब टाइम पीरियड 4700 दिया हुआ है, तो ये देखिए ये प्रेजेंट टाइम पीरियड हो गया। टाइम स्केल पर अगर हम देखें तो यहाँ प्रेजेंट है, और ये जो है ये ईसा मसीह का टाइम पीरियड जो है जिसको हम जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा 2023 अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो जीरो गए। फिर इसके बाद बीसी रिवर्स में हम जाएंगे, तो अराउंड मान के चलिए कि 2500 और 2300 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है इस सिटी के बारे में। तो इसके इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझते हैं। तो बेसिकली ये सिटी ना ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो है वेस्टर्न पार्ट है, जो कि स्मॉल है लेकिन बट थोड़ा सा हाई एरिया में बना हुआ है, और इसको जो सीटाडेल बोला जाता है। सीटाडेल बेसिकली फोर्टिफाइड एरिया जहाँ पे कोई हायर पोजीशन होल्ड करती होगी या कोई राजा वहाँ पे रहता होगा, तो उसको हम सीटाडेल कहते हैं। फिर जो ईस्टर्न पार्ट है ना वो लोअर, थोड़ा सा लोअर है अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न पार्ट के बारे में, तो इसको हम लोअर टाउन बोल देते हैं। फिर अगर बात करें तो इसकी जो दीवारें हैं ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेक्ड हैं, जो जैसे आज की समय में हम देखते हैं ना कि भट्टी में पका के ईंटें लगाई जाती हैं, तो उसी तरीके से इस उस टाइम पे भी जो है ईंटों को जो है भट्टी में अच्छी तरीके से पकाया गया, तो इतनी अच्छी तरीके से पकाया गया था वो आज तक, मतलब उनको एक प्रॉपर पोजिशन में हम लोगों ने प्राप्त किया है ना। तो इस तरीके का आप सोचो कितना एडवांस वहाँ पे कल्चर होगा, क्योंकि देखो ये टाइम पीरियड बेसिकली एक प्रकार से प्रोटो हिस्ट्री का टाइम है, जिसमें हिस्ट्री है तो लिखी तो गई है लेकिन हमने इसकी अभी तक लिपि पढ़ी नहीं है। तो हम लोग एजम्पशन पे ही चल रहे हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती होंगी। फिर अगर बात करें तो इसमें ना यहाँ पे सिटी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिली है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बेसिकली इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये कहाँ से मिला है, तो ये बेसिकली मोहनजोदारो से हमको प्राप्त हुआ है। और ये बेसिकली एक प्रकार से नहाने की कोई स्पेस बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं ये कुंड जैसा है जहाँ पे पानी होता होगा, और उतरने के लिए देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं साइड में, और ये साइड में अगर आप देख सकते हैं ध्यान से तो कमरे जैसे बनाए गए हैं। तो ऐसा बोला जा रहा होगा कि ये चेंजिंग रूम हुआ करता होगा, और यहाँ पे उतरने के लिए लोग की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और फिर पानी का भी सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा था, तो ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली बहुत बढ़िया था। तो ऐसा बोला जाता होगा कि कोई ऐसी सेरेमनी होती होगी या फिर कोई हायर पोजीशंस के जो लोग होते होंगे वो यहाँ पे स्नान करते होंगे। तो ये भी जो है ब्रिक्स से बनाई गई है और प्लास्टर से इसको कोट किया गया। फिर आगे चलते हैं तो कालीबंगा और लोथल की बात करी गई, यहाँ पे फायल अल्टार्स के बारे के उसके साक्ष्य मिले हैं, बेसिकली अग्निवेदियाँ मिली हैं। तो ऐसा बोला जाता होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस या फिर सेक्रीफाइसेस किए जाते होंगे उस टाइम में, जिस तरीके के एविडेंसेज यहाँ पे मिले हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट हो गए, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर मोहनजोदारो और हड़प्पा और लोथल की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे हम लोगों को स्टोर हाउसेज मिले हैं। स्टोर हाउसेज बेसिकली जहाँ पे सामान को रखा जाता होगा। तो इतना समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिटी थी, जो कि आज हम करंटली जो सिटीज़ हम देखते हैं जिस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है आज की सिटी, तो वैसे हड़प्पा सिटी भी जो है फंक्शनिंग कर रही थी उस टाइम पे। फिर अगर हम, अब तो ये तो हो गई हमारे सिटी की बात, अगर हम उसके हाउसेज और ट्रेन और सड़कों की बात करें, स्ट्रीट्स की बात करें, तो बेसिकली हाउस जो है ना वो दो स्टोरी के या सिंगल स्टोरी के भी होते थे, और इसके रूम डॉकयार्ड के आसपास ना इसके रूम बने होते थे, कोर्टयार्ड के आसपास इसमें रूम बने होते थे, ठीक है। और इसका जो है सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, हर घर में एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। और जो है यहाँ पे जो नालियाँ जो होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो नालियाँ जो थी यहाँ पे ढकी हुई नालियाँ होती थी, ठीक है ना, क्योंकि इससे गंदगी ना फैले और पानी बाहर ना आ जाए। तो इस तरीके का एडवांस सिस्टम देखो वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, और कहीं कहीं पे इसमें छेद भी मिलते हैं, जैसे कि सफाई के लिए आप छेद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एडवांस सिटी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस जमाने में उन्होंने इस तरीके के चीज़ें अपनाई और किया है। तो फिर अब ये तो बात हो गई हाउसेस की, अब जैसे कि लाइफ सिटी में लाइफ कैसी थी, कौन कौन वहाँ रहता था, तो जो एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं उसके बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रूलर रहता होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेट बात हमको मिल रहा है और सीटाडेल की हमने पिछले चर्चा करी है, तो इस तरीके के जो फोर्टिफाइड एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं कोई रूलर ही बनवा रहा होगा।
तो इस तरीके के जो प्लांट कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे रूलर भी होगा एक, फिर ठीक है, फिर इसके बाद स्क्राइब्स भी होते हैं। स्क्राइब्स का बेसिकली हिंदी में लिपिक कहते हैं। तो स्क्राइब जो है लिखने का काम करते हैं, सील्स हम लोगों को वहाँ के खुदाई में मिली हैं, तो ये एविडेंसेस शो करते हैं कि उस टाइम पे स्क्राइब्स का भी होना होता होगा सिटी में। फिर अगर हम क्राफ्ट्स की बात करें ना, तो वहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ काम करती थी, ऐसा भी एविडेंसेस मिले हैं। तो हमें खिलौने मिले हैं वहाँ पे और कुछ क्राफ्ट्स की और भी चीज़ें मिली हैं, तो जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैन एंड वुमेन दोनों एक साथ काम करते थे और कई तरीके की चीज़ों का निर्माण करते थे, जिसको हम लोगों को आज मिल रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं कि खड़प्पा जो वासी हैं उन लोगों को कौन कौन से मेटल के बारे में पता था। तो बेसिकली उनको कॉपर के बारे में पता था, उनको ब्रॉन्ज के बारे में पता था, और अगर और मेटल्स के बारे में ना, गोल्ड और सिल्वर के बारे में पता था उनको। तो ये MCQ या फिर स्टेट PSC में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो उसमें अब देखो क्या हुआ, ये कॉपर ब्रॉन्ज तो पता था, तो इनका यूज़ क्या हो रहा था। तो कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ बेसिकली टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जा रहा होगा, वेसल्स बनाने में किया जाता था, ठीक है। और वहीं गोल्ड और सिल्वर का अगर बात करें तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए वहाँ पे गोल्ड का यूज़ किया जा रहा होगा। और हड़प्पा की जो सील्स है ना वो पत्थर से बनी है, सील यानी कि मोहरें जो है पत्थर से बनी हुई, जो कि चौकोर हैं। और ये एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट या फिर इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस बुक में दिया हुआ है, ये देखो ये एक मूर्ति मिली है जो कि, अब इसको ध्यान से देखना, ये शॉल जैसा कुछ पहने हुए है, एम्ब्रॉयडरी गारमेंट है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पुरुष ना केवल, महिलाएं ना केवल, पुरुष भी जो हैं इस तरीके के आभूषण ग्रहण करते थे, ठीक। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वोल्स के भी उदाहरण मिले हैं। स्पिंडल वोल्स बेसिकली सूत काटने का एक तकनीक होती थी। अब इतने अच्छे तरीके से तो उनको नहीं आता होगा, लेकिन हाँ वो भी उस टाइम पे करते थे। तो ये बेसिकली टेराकोटा की और फाइंस की बनी होती थी। फाइंस बेसिकली क्या होता है कि स्टोन, एक प्रकार का स्टोन होता है बट वो आर्टिफिशियल है। अब स्टोन जो है हमको नेचुरली मिल रहे हैं बट वो आर्टिफिशियल गम की सहायता से चिपका के बनाया गया होता था, तो इस तरीके से इसको फाइंस कहते थे। तो इससे हमें पता लग रहा है कि अब वो लोग मतलब सूत या कॉटन का यूज़ भी वो लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि अब इनको रॉ मटेरियल मिला कहाँ से। अभी हमने बात करी कि इनको मेटल्स के बारे में पता था, फिर इनको रॉ मटेरियल्स भी मिल रहे हैं, टॉयज भी बन रहे हैं और क्राफ्ट्स भी बन रहा है, तो इसके मटेरियल्स इनके पास आ कहाँ से रहे हैं। तो बेसिकली कॉपर जो है इनको राजस्थान से मिलता है प्रेजेंट डे, और टिन जो है वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, अगर आपसे क्वेश्चन मान लो मेंस में आंसर राइटिंग में पूछ लेता है कि ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जो हमें इनके बाहर के कनेक्शन दिखाते हैं हड़प्पा के, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट है आप डाल सकते हो। फिर गोल्ड जो है कर्नाटका से मिला है, और प्रीसेस स्टोन्स जो है बेसिकली गुजरात, प्रेजेंट डे और ईरान, अफगानिस्तान से इनको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि तो रॉ मटेरियल इनको यहाँ यहाँ से प्राप्त हो रहा है। फिर इनकी फूड हैबिट्स की बात करें तो हड़प्पा जो है, हड़प्पंस जो है, क्योंकि हमने पहले बात करी कि अब वो खेती करना जान चुके हैं, तो वो अपने हिसाब से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अपने हिसाब की चीज़ें उगा रहे हैं। तो वो बेसिकली जो है वीट, पार्ले, पल्सेस और राइस, सीसम और लाइम सीड और मस्टर्ड जो है वो उगा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो फ्रूट्स का कलेक्शन भी कर रहे हैं, फिश को भी पकड़ रहे हैं और एनिमल को का शिकार भी कर रहे हैं। और अब वो ना इसका शिकार तो कर ही रहे हैं बट साथ ही साथ जो है डोमेस्टिकेशन भी वो लोग साथ में कर रहे हैं। तो बेसिकली जो जो चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा वो सारी चीज़ें वो हड़प्पा वाले कर रहे हैं। फिर अब बात करें तो इस बुक में ना दो बेसिकली जो है साइट्स दी हुई हैं, धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा पे तो प्रीवियस ईयर में UPSC में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो धौलावीरा बेसिकली इसको खैदर वाइट जो एरिया है वहाँ के रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वहाँ पे ये मिलती है, और यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल के जो हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल हमको देखने को मिलती है। और बेसिकली अभी हमने बात करी तो जो हड़प्पा सिटी है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, बट ये जो धौलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और यहाँ पे जो है जो जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड हैं, तो यानी कि इसको एक तरीके से फोर्टिफाइड एरिया हम लोग बोल सकते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें लोथल की, तो ये बेसिकली जो है साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास का क्षेत्र है जो गुजरात में पड़ता है। और ये जो है इसका जो इसमें रॉ मटेरियल अच्छे और सेमी प्रीसेस स्टोन्स जो है बेसिकली बहुत अच्छे मात्रा में प्राप्त होते हैं हम लोगों को। और ये इंपॉर्टेंट सेंटर है जो मतलब ऑब्जेक्ट बना रहा है पत्थर से और शेल और मेटल से। यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं जो इस तरीके के सामान बना रहा है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, डॉकयार्ड मिला है जिसको बंदरगाह हिंदी में बोलते हैं। डॉकयार्ड के प्रमाण भी हमको लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये होगी बात ही पूरे हड़प्पा की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है इसका डिक्लाइन भी हुआ। तो डिक्लाइन के बेसिकली कई सारे कारण बताए गए इतिहासकारों में, इस पे एक मत तो नहीं है बट हाँ कुछ कुछ थ्योरीज दी गई जिसका काट भी निकाला गया। तो इसमें कुछ रीजंस इस बुक में दिए हुए हैं। तो पहला कारण दिया डिफॉरेस्टेशन। तो जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो एग्रीकल्चर की लैंड कम पड़ रही होगी तो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करना चालू किया।
जिससे कि हो सकता है इन्वायरमेंट चेंज हुआ हो, इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ उनकी फूड हैबिट्स भी चेंज हुई हों और उनके लिए एडवर्स कंडीशन पैदा हो चुकी हों। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने बताई फ्लडिंग, तो फ्लडिंग के भी ऐसे एविडेंसेस मिले हैं क्योंकि अगर वहाँ की मिट्टी उन्होंने चेक करी तो ऐसा लगा कि हाँ ये बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी है। और बार बार जो है स्टोरीज बनना, दो स्टोरी के मकान बनना, तो ये भी एक प्रकार से एविडेंस का एक प्रमाण था कि हाँ इस तरीके से फ्लडिंग के कारण भी जो है सभ्यता का विनाश हुआ होगा। फिर तीसरा कारण बताया कि रूलर्स ने जो है अपना कंट्रोल खो दिया था, तो जिस वजह से अव्यवस्था फैली होगी। अब रूलर कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सब अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये तीन कारण बताए। इसके अलावा भी कुछ कारण है, कुछ आर्यन इन्वेजन थ्योरीज को भी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण समझते हैं कि आर्यन का जो है इनकाउंटर इन हड़प्पा वासियों से हुआ होगा, क्योंकि आर्यन को जो है लोहे का ज्ञान था और हड़प्पन्स को जो है इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं था, तो उनके हो सकता है आर्यन के वेपन्स मजबूत हुए होंगे, तो इस वजह से जो है उन्होंने इसका विनाश कर दिया सभ्यता। तो कई सारे कारण हैं, तो जो भी इस बुक में इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई मैसेज हो, तो ये टेलीग्राम है और ये इंस्टाग्राम का लिंक है। टेलीग्राम पे मैंने सारी PDF डाल दी है फ्री में, आप जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।